अगली खबर में बात करते हैं मुरैना की, जहां विंडवा क्वारी गांव में एक युवक को 5 लोगों ने पहले धमकी दी और दूसरे दिन उसे घेर लिया और उसके पिता को पीटा तथा उसे गोली मार दी। गोली सीधे जाकर उसके पैर में लगी। घायल युवक का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। एसपी आशुतोष बागरी ने सभी फरार आरोपियों पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। बता दें कि विंडवा क्वारी गांव में सुल्तान शर्मा अपने परिवार के साथ रहते हैं। रविवार की शाम उनके बेटे प्रमोद शर्मा की एक समुदाय विशेष के युवकों से किसी बात पर तनातनी हो गई और देखते ही देखते बात यहां तक पहुंच गई कि उन युवकों से उसे धमकी देते हुए कहा कि कल तुम्हें हम मार देंगे। यह कहकर वह युवक तो चले गए, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने इस घटना को अंजाम भी दे दिया। प्रमोद शर्मा एक दुधिया हैं और तथा पास के गांव में जाकर भैंसों से दूध निकालता है तथा उन्हें बेचता है। धमकी के अनुसार ठीक दूसरे दिन सोमवार की सुबह जब वह पास के गांव भोजराज का पूरा गया तो नहर के पास ही उसे 5 लोगों ने घेर लिया। एसपी आशुतोष बागरी ने इस घटना में शामिल आरोपी बलवीर पुत्र माता दीन गुर्जर, जयवीर पुत्र सियाराम गुर्जर, सियाराम पुत्र गजाधर गुर्जर, मनीष पुत्र कृपाराम गुर्जर तथा कल्ली पुत्र रामकतार गुर्जर के खिलाफ हत्या के प्रयास के अलावा भिन्न धाराओं में केस दर्ज करते हुए 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। यह सभी आरोपी फरार हैं। प्रमोद शर्मा बिन्नवा कुआरी कुछ नहीं समझा मोबाइल थी है कि मैं सवेरे दूध वाले गया था तो मैं पिताजी संग गए वे पीछे बैठे बिन्ने मोर पे आज गेल से लाठी चालू कर दे बिन्ने लाठी बिन पे लगी रहे डटोना बिन पे बिन्ने की दिना डटो जिन लठे थे बाबा बोली दे बलवीर बिन्ने बोली थी बिन्ने बलवीर ने मैं सियाराव ने कहा गोली दे बलवीर मैंने मोटरसाइकिल मरकाई सीधी बलवीर ने गोली दी मेरे पैर में।